नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में पिछले हफ्ते साहिल द्वारा 1 करोड़ की राशि जीतने के बाद पल्लवी महिदा ने उनकी जगह ली थी। कल केबीसी की रोलओवर कंटेस्टेंट पल्लवी के साथ अमिताभ बच्चन ने शो की शुरुआत की। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली पल्लवी अपनी सफलता का श्रेय अपनी सास को देती है। महज 22 साल की उम्र में पल्लवी की शादी हुई, वह उस वक्त आर्किटेक्ट थी। शादी के बाद पल्लवी ने 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन इस दौरान अपनी सास के सपोर्ट से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और आज वह एक सफल लेक्चरर है। 3,20,000 तक पहुँचने तक पल्लवी ने अपनी 3 लाइफलाइन खो दी थी। उनके पास सिर्फ एक और महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई थी। जो लाइफलाइन पल्लवी के पास बची थी वह थी आस्क दी एक्सपर्ट। हालांकि यह लाइफलाइन भी पल्लवी ने जल्द ही खर्च कर ली। 3,20,000 के सवाल का जवाब न पता होने के कारण पल्लवी ने आस्क दी एक्सपर्ट की मदद ली और एक्सपर्ट की मदद से पल्लवी ने कौन बनेगा करोड़पति 13 का दूसरा पड़ाव पार कर लिया। अमिताभ बच्चन ने 3,20,000 के लिए पल्लवी से सवाल पूछा था, इनमें से कौन सा देश जुलाई 2021 में इसराइल के दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना। जवाब के तौर पर पल्लवी के सामने बहरीन, ओमन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ऑप्शंस थे। इस सवाल के जवाब के तौर पर पूरी तरह से अनजान होने के कारण पल्लवी ने लाइफलाइन का चुनाव किया और आस्क दी एक्सपर्ट ने सही जवाब दिया। बता दें कि इस सवाल का सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। 6,40,000 के लिए पल्लवी से पूछा गया सवाल ये था, कौन से लेखक आंधी, मौसम और रंग बिरंगी फिल्मों के कहानीकारक है। इस सवाल के लिए 4 ऑप्शंस थे, गुलजार, मोहन राकेश, कमलेश्वर, भीष्म साहनी। अमिताभ बच्चन ने पल्लवी से कहा कि यह एक नो रिस्क सवाल है, अगर इस सवाल का जवाब गलत भी दिया तो भी आपकी राशि में से कोई भी रकम कम नहीं होगी। पल्लवी ने गुलजार का चयन किया लेकिन यह गलत जवाब था, इस सवाल का सही जवाब था कमलेश्वर। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।